गाइस, मैं खुशी को आपका स्वागत करती हूँ द न्यू स्टॉप चैनल में। सिर्फ चिल्लर लेके पहुंचा एक शख्स एक बाइक शॉप पे, और वहां पर जब वो शोरूम में पहुंचा और तब उसकी कहानी सुन के डीलर भी रो पड़ा। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करती है आज की न्यूज। मध्य प्रदेश से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर हासिब हिंदुस्तानी नाम के एक शख्स ने 57,000 के चिल्लर काफी ज्यादा इकट्ठे किए, और बोलते हैं कि वो चिल्लर लेके एक एक्चुअली शोरूम गया बाइक खरीदने के लिए। अभी आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत, मतलब कि बहुत ऐसी बातें हैं, और काफी सारे लोग ये सब चीजें खरीदते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। पर एक्चुअली आप लोगों को पता है कि पैशन होता है, अलग अलग लोगों का पैशन होता है। कोई बाइक खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई घर खरीदना चाहता है, तो कोई ज्वेलरी खरीदना चाहता है, तो कोई डायमंड खरीदना चाहता है। पर इनका सपना था एक्चुअली एक बाइक खरीदे, पर हर एक शोरूम में ये जा चुके थे, पर किसी ने भी ये पैसे लेने से इनकार कर दिया था। और इनका सपना था कि ये खुद की एक बाइक खरीदेंगे। और एक बार मोदी जी का एक ऐसा उन्होंने इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप एक एक रुपया इकट्ठा करके आप अपनी जिंदगी भी सुधार सकते हो। तो तब से इन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करने लग गए थे, और उसके बाद इन्होंने काफी जगह पर इन्होंने कोशिश की, पर इनको बाइक नहीं मिला आखिरकार। और आखिरी एक उम्मीद थी जो शोरूम में गए, और उस वक्त भी उनकी उम्मीद में पानी फिरने वाला ही था कि सब लोगों ने मना कर दिया था। और जब डीलर को उन्होंने ये चीज बताई कि एक्चुअली मेरा सपना है कि मैं बाइक खरीदूं, पर मैं इतना कमा नहीं पाता, और मेरा जो बिजनेस है वो चिल्लर के रूप में आता है, मेरा जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, और मैं नोट नहीं बना पाता हूँ उससे, और मैं इसी चीज को खरीदते हुए मेरी फैमिली बस इस चीज को जमा करते करते उन्होंने और मैंने मिलकर एक सपना पूरा करने की कोशिश की है। तो प्लीज आप इस सपने को पूरा होने दीजिए, मैं कोई भी कमी नहीं कर रहा हूँ, जितना भी पैसा आपके सामने है उतने का ही मैं बाइक लेना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने इस चीज को सुनते हुए जिस तरीके से उसने बोला, तो वो काफी ज्यादा डीलर भावुक हो गया, और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि इस पैसे को गिना जाए। पैसे गिनने के बाद 57,000 रुपीज निकले, और उसके बाद जाके उसको एक बाइक दे दी गई, और जो कि उसका सपना पूरा हो गया, वो काफी ज्यादा खुश हुआ। और इसीलिए हम लोग आज ये जो मामला है, जो चर्चा बना हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। तो कभी गाइज आपने अपना सपना पूरा किया है चिल्लरों से? आपका अगर एक्सपीरियंस रहा है चिल्लरों से सपना पूरा करने का, तो प्लीज कैसा लगा था उस वक्त प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।